थे बालवीर सीरियल के हीरो देव जोशी, जो कि सबके फेवरेट हैं, मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट हो आप देव। वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच दीदी, और इंडिया टीवी के सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। नमस्ते। आपको भी सबकी तरफ से, इंडिया टीवी के सारे व्यूअर्स की तरफ से, आपके फैंस की तरफ से ढेर सारा प्यार। देव देव, सबसे पहले आपके शो को इतना लोग पसंद करते हैं, ये बात मैंने पर्सनली इसलिए फील की है क्योंकि हमने एक बार साथ में शूट किया था। उसके बाद तो बस मेरे इंस्टाग्राम पर जो एक ऐप जी था जो बंद हो गया है, उस पर मैं नाम नहीं ले रही हूँ इसलिए, राइट प्यार बरसाया। सो आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि लोग कितने दीवाने हैं आपके पीछे। तो आपके शो के जो फैंस हैं, आप सबसे पहले उनसे क्या कहेंगे? सो ऑफ कोर्स बालवीर पिछले 8 सालों से हमारे कई सारे फैंस देख रहे हैं सोनी सब पर, और ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है। एकदम दिल से कनेक्शन कर ले वैसा शो है हमारा, क्योंकि हर कैरेक्टर को हम डिफाइन करते हैं। बालवीर सुपर हीरो है तो हर बच्चे का ड्रीम होता है कि मैं भी एक सुपर हीरो बनूं इस दुनिया में, अपने माँ बाप की, अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की, दुनिया में कहीं ना कहीं कोई हेल्प कर सकूं। तो हम उनकी वो विशेष टेलीविजन पर लाकर फुलफिल करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा फील होता है और उनके साथ एक कनेक्शन बन जाता है। तो कभी भी मैं अपने फैंस को मिलता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना, तो एक अलग ही मजा होता है इंटरेक्ट करने का। वहां पे आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। मैं कई सारे फैंस से व्यूज भी लेता हूँ कि आपको एपिसोड कैसे लग रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे क्रिएटिव टीम को मैं थोड़ा बहुत कंसल्टेशन भी देता हूँ। तो मजा आता है कि फैंस क्या चाहते हैं आपके शो से, वो आप जाने और फिर वो बनाए जो देखना चाहते हैं। करेक्ट देव, करेक्ट। मैं आपके पीछे देख रही हूँ, आपकी बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं, बालवीर जी की ही है, सेंटर वाली, राइट वाली भी आई गेस, और आपके यस ठीक तरह। यस, तीनों बालवीर की फोटोज है, मेरे 3 कॉस्ट्यूम है, जो फर्स्ट सीजन में था, उसके बाद फर्स्ट सीजन में जो मेरा दूसरा कॉस्ट्यूम था, और जो अभी जो बालवीर रिटर्न चल रहा है उसमें जो मेरा कॉस्ट्यूम है। तो मेरे रूम में फोटोज कई सारे हैं, मुझे अच्छा लगता है। और फैमिली साथ में होती है तो एक घर वाला ही माहौल सेट पे भी रहता है। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम जोन में जाऊंगी, पहले की बात कर रही हूँ। एक सुपर ओके पावर है बालवीर के अंदर, और वो जो एक पावरफुल कैरेक्टर है बालवीर, वो लॉकडाउन में कैसे खुद को बांध के रख पाया, तो ये आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, राइट? राइट ऑफ कोर्स, लेकिन एक चीज मैंने लॉकडाउन में सीखी कि हमें कहीं ना कहीं एंजॉय करना चाहिए फैमिली के साथ। बहुत मजा आया मुझे, सच कहूं तो। लॉकडाउन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं काम पे असर हुआ है, हमारी इंडस्ट्री 3-4 महीने बंद थी और शूट नहीं कर रहे थे, तो मैंने ऑफ कोर्स मेरी पूरी टीम को मिस किया, लेकिन साथ ही साथ फैमिली के साथ उतना ही एंजॉय किया। मैंने अपने कई सारे नए नए आर्ट्स ढूंढे, जैसे मुझे स्केचिंग का शौक था, पेंटिंग का शौक था, तो मैंने वो किया। कई सारी फिल्म्स देखी, मम्मी के साथ कुकिंग सीखा। तो एक अलग जर्नी एक फैमिली बॉय की, जो हम नॉर्मल शूटिंग आवर्स में नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीजें मैंने लॉकडाउन में की अपने पेरेंट्स के साथ। क्या बात है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कि जो बालवीर हैं करके जो उड़ते हैं, ऐसे तो नहीं आप अलग स्टाइल में उड़ते हो, पीछे पूरा वो लेकर आपका तामझाम जो रहता है, तो ये हाँ हाँ बालवीर केप ले। कर रहे थे। तो क्या क्या कुक किया आपने और हमें क्या बना के खिलाने वाले हो? अरे आप फर्स्ट ऑफ कोर्स जब मिलेंगे तो मैं आपको पक्का पका के खिलाऊंगा, लेकिन हमने गार्लिक ब्रेड सीखा, फिर गुजराती डिशेज है, खमन है, ढोकला है, खांडवी है, वो हमने बनाई थी घर पर, साथ ही साथ पिज्जा है तो वो भी बनाया था। तो अलग अलग चीजें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कई ऐसी चीजें भी नहीं जो लाइफ में कभी बनाई नहीं थी, तो घर पे ट्राई की, डोनट्स बनाए घर पे, तो नई नई रेसिपी सीखी, और हमें भी मजा आया, पेरेंट्स को भी मजा आया। तो ऐसा नहीं था कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। मैंने पापा के साथ थोड़ा जो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी सीखा। मैं जो बुक्स पढ़ता था, मुझे पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मैं उससे रिलेटेड बुक्स भी पढ़ रहा था। हिस्ट्री थोड़ा मैंने सर्च किया, ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ा, तो मैंने कहीं ना कहीं पूरा टाइम यूज किया है और शेड्यूल पूरा मेंटेन किया था हमने कि रात को सोना है, सुबह उठ के फिर पूजा करनी है, कैसे कैसे पूरा दिन जाएगा, क्या देखेंगे, फिल्म्स देखेंगे, सीरियल्स देखेंगे। तो पूरा लॉकडाउन हमने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एंजॉय किया है और पूरी फैमिली ने साथ में एंजॉय किया है। क्या बात है, तो ये है आज का बालवीर, न्यू जेनरेशन, जो डोनट्स बनाते हैं, खांडवी बनाते हैं, स्केचिंग करते हैं, मम्मी का हाथ बताते हैं और खूब मस्ती करते हैं। वेरी गुड बालवीर, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड थैंक देव। यू अब सो तो मच। बालवीर बोल रहे देवे की बात है। अब ये बताओ, शूटिंग स्टार्ट हो गई है, रिज्यूम हो गई है, तो
तो किस तरह की दिक्कतें आप देखते हैं सेट पर? क्योंकि मेरी कई एक्टर से बात होती है और सब ये बोलते हैं चारों जब हम शूटिंग करते हैं ना तब हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहता, सिर्फ हम कैरेक्टर में होते हैं। हाँ हम जो प्रिकॉशंस है वो लेते हैं, बट हर टाइम हम ये नहीं सोच सकते कि हम कैसे सेफ रहें, हम ये ना करें वो ना करें। तो आप कैसे कोप अप कर रहे हो? सो मेन चीज ये है कि हमें अपने हाथ सैनिटाइज रखने होते हैं किसी भी दूसरे एक्टर को टच करते समय या फिर हमारे स्क्रिप्ट को उठाते समय। तो मोस्टली हम जो स्क्रिप्ट्स है वो मोबाइल में, हमारे मोबाइल में आ जाती है सुबह पूरे दिन की स्क्रिप्ट्स। फिर यहाँ से मास्क पहन के निकलते हैं। मास्क पहनना थोड़ा ऑकवर्ड होता है क्योंकि आप मेकअप करते हैं, फिर जैसे मास्क निकालते हैं तो लाइन पड़ जाती है, थोड़ा डल हो जाता है मेकअप। लेकिन ये सब मेंटेन करते हुए हमारी जो प्रोडक्शन है और चैनल है दोनों ने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है कि कैसे हम, हमारे सेट पर एक इंस्पेक्टर भी रहते हैं बीएमसी के, तो वो हमेशा ध्यान रखते हैं कौन मास्क नहीं पहना। हमें भी डांट देता है कि भाई मास्क पहनो, साथ में बैठे हैं तो बोलो दूर दूर बैठो, 6 फीट का डिस्टेंस रखो। तो हमें हमेशा रूल्स फॉलो करने हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन एज एन एक्टर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं, तो बिहाइंड द सीन्स भी हम कई सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट रखते हैं कि मास्क पहन के रखिए, बाहर जाए तो जितना हो सके कम जाइए। तो एज एन एक्टर, एज एन इन्फ्लुएंसर हम भी चाहते हैं कि लोग सीखे और लोग हमारी तरफ से, हाँ हम केयरलेस हो जाएंगे तो फिर लोगों तक भी वही मैसेज जाएगा। तो हमें भी खुद टेक केयर करना होगा ताकि लोग भी वही करें। ओके ओके आई टोटली जी कनेक्ट है। अभी आपका जो शो में लेटेस्ट ट्रैक कुछ ऐसा है जो आने वाला है जो हम सबको बहुत सरप्राइज करने वाला है? क्योंकि शो हम देख रहे हैं, हालांकि हर मोमेंट पर हर पल एक नया सरप्राइज होता है आपके शो में, बट इज देयर गोइंग टू बी एनी यस, बिग दैट इज अपकमिंग? सो ऑफ कोर्स जैसे कि आपने देखा कि अभी शिंकाई करके एक जल लोक यानी पानी के अंदर की दुनिया हमने दिखाई है, जहां पे बांबाल करके, मिल्सा करके नए विलन्स हैं, और रे है जो एक आ, आ, नया इंसान है, 20 साल का यंग यंग इंसान है जो एक अंडे में से बाहर आया है। वो कौन है, कहाँ से आया था, उसकी बैक स्टोरी हमने शो में दिखाई, वीर लोक में से कैसे वो गिरा था। लेकिन आगे जाके जाके वो रे धीरे धीरे धरतियों की चीजें सीखता है, वो बालवीर के साथ इंटरेक्ट करता है, उसकी तो तुम हमें होती है, बालवीर जैसे देवू बन के धरती पे रहता है। तो हर तरफ से बालवीर के लिए चुनौती है क्योंकि तिम्नासा भी मैसेज दे के गई है कि तुम्हारे माता पिता को शौर्य ने मारा है, तो अब वो सच भी मुझे ढूंढना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे असली माता पिता कौन थे। दूसरी तरफ से शिंकाई वाले आए हैं, मुझे विवान को भी नहीं बताना है कि मेरे पास शक्तियां हैं। तो ऑल ओवर एक कवर अप है बालवीर के लिए कि वो जहीं अपने दिल की बात कहीं पे जाके कर नहीं सकता, तो अपने आप हर चीज को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे उसमें से बाहर निकलेगा यही चैलेंजेस है। और साथ ही साथ अनन्या करके जो लड़की है उसको रे मिसयूज करता है, यानी जैसे नकाबपोश है, तो नकाबपोश बालवीर है ये ऑडियंस को पता है, लेकिन जैसे ही मैं अनन्या को बताने जाता हूँ तो रे बोलता है मैं नकाबपोश हूँ, जैसे कि अभी लोगों ने प्रोमो में देखा होगा। तो वो गिमिक क्रिएट करता है कि मैं नकाबपोश हूँ और मैं तुम्हारा हीरो, बल्कि एक्चुअली वो परेशान करने आया है हमको। तो बस वही अराउंड द स्टोरी चल रही है कि कैसे इस सब में से बालवीर सबको फाइट करेगा, और बहुत ही अच्छा स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है यंग जनरेशन के लिए भी, तो ऑफ कोर्स हमें भी देखने में मजा आता है, हम करते हैं तो और मजा आता है, और मैं चाहूंगा ऑडियंस देखे और इसी तरह हमें प्यार देते रहे। ओके बहुत ही प्यारा जी इंसिडेंट बताती हूँ। आज मैं नीचे गई जहाँ पे सोसाइटी में मैं रहती हूँ, पोडियम है वहां पर 3-4 बच्चे खेल रहे थे। तो ओके एक ने मास्क लगाया हुआ था एक बच्चे ने, तो मैंने बोला विवान है उसका नाम, मैंने बोला हाय विवान आप विवान ही हो ओके ना? तो वो मास्क लगा के बोलते हैं आपने मुझे पहचाना नहीं, पहले उसने बोला आंटी आपने, मैं बोला डोंट कॉल मी आंटी से बेटी थी। तो बोलते हैं मैंने कहा आप कौन हो? बोलते हैं बालवीर, मास्क लगा के। ओके तो मास्क लगा के वो बच्चे ना आजकल वो कुछ ना कुछ लटका के टॉवल या कुछ पीछे से हैंग करके आजकल बहुत आपकी आपके स्वैग में आपके स्टाइल में मुझे दिखते हैं। तो इसे पता चलता है यस, कि कनेक्ट विद यू। ऑफ कोर्स मैंने कई सारे ऑनलाइन मार्केट्स पर भी देखे हैं कि बालवीर के कॉस्ट्यूम मिलते हैं जो बच्चों के लिए, बच्चे पहन के पेरेंट्स कई सारे ऑर्डर, और उस पर रिव्यूज भी कई सारे अच्छे अच्छे हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे कॉस्ट्यूम, हम जैसे छोटे थे तो हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए कई सारे सुपर हीरोज थे, शक्तिमान थे, हीरो करके एक सुपर हीरो था, तो उस टाइम पे जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आज हम कहीं ना कहीं आज की यंग जनरेशन को, नए बच्चों को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा सिखा रहे हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा फील होता है। मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि मैंने उस बच्चे को बोला तुझे मैं बालवीर से मिलवाऊंगी एक शर्त पर। बोलते हैं क्या? कॉल ओके मी। वो बच्चा सीधा
तीन चार साल का ऐसे था एकदम छोटा सा एकदम, तो बोलता है अच्छा ठीक है दीदी 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 मुझे मिलवाना जल्दी। मैंने बस अरे श्योर पक्का। तो मेरा भी दिन बन गया आपके चक्कर में, उन्होंने इतने इतने से बच्चों ने मुझे दीदी बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आंटी से अरे दीदी। वाह, अरे सही है। ओके तो देव अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड जी की जैसी चल रही है, इंडिया नंबर टू पर आ गया है सबसे ज्यादा जी कोरोना, और मुझे लगता है जी ऐसी स्पीड चलती रही तो हम, ये बहुत प्राउड की बात नहीं है बट, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वे हाईली पॉपुलेटेड, तो ऐसे में यस मुझे नहीं लगता 2020 खत्म होने तक हम लोग नॉर्मलाइज, हमारी रूटीन नॉर्मल हो पाएगी, बट जैसे ही चीजें ठीक होगी तो देव यानी कि बालवीर उड़कर सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे रियल लाइफ में? ओके सो लॉकडाउन लगने से पहले मीन्स अराउंड फेब्रुआरी और जनवरी एंड में हम सिंगापुर गए थे। 5-6 दिन का ट्रिप था हमारा, तो हमने पता नहीं था उस टाइम, नया नया कुछ था, चाइना में ऐसा कुछ आने वाला है। और फिर इंडिया में भी उस टाइम 1-2 केसेस आए थे। हम उसी टाइम वापस इंडिया में आ गए और फिर लॉकडाउन हुआ। तो फिर हमने सोचा अच्छा हुआ घूमकर आ गए बाहर, वरना अब तो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले 1-2 साल के लिए। लेकिन ऑफकोर्स हमने प्लान किया है कि हम साउथ, हमने 2018 में अराउंड नॉर्थ इंडिया ट्रिप किया था बाय कार। तो हम गुजरात से बाय कार निकले थे टिल लेह लद्दाख, और फिर वहां से टू एंड फ्रो ट्रिप था हमारा। मेरे पापा ड्राइव करते हैं, बहुत मजा आता है हमें, हम तीनों जाते हैं, मैं मम्मी पापा। तो हमने सोचा है अब हम साउथर्न इंडिया ट्रिप करेंगे, टिल हम्पी है, ऊटी है, तो वहां पे कार लेके जाएंगे और पूरा 1 महीने का जो ट्रिप होता है वो हम एंजॉय करेंगे जब ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस सब खत्म हो जाएगा। ओके वेरी गुड वेरी यस गुड, बिल्कुल बिल्कुल, ये हम एटलीस्ट अभी से प्लान करके चलेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, सब्जेक्ट टू ऑफ कोरोना कोर्स, जाए जल्दी से जाए, बहुत हो गया अभी, मतलब यस यस लिटरली ऑफ बहुत कोर्स हो गया। दीदी। हमें भी मास्क पहन के थोड़ा ऐसा होता है, अब कब निकालिए मास्क, रूम में आते हैं स्पेशली सर 2 मिनट में आता हूँ रूम में जाके, रूम में आते हैं मास्क निकालते हैं, रिफ्रेश होते हैं, फिर वापस पहन के सेट पे जाते हैं, तो हो जाता है थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग, जरूरी है। सही बात है। अच्छा देव आप बहुत अच्छा लिखते हो, आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, आप लिखते भी बहुत अच्छा हो, तो अभी कुछ जी लिखा है आपने जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? लिखा है कई सारा, लेकिन अभी मेरे माइंड में डायलॉग्स है क्योंकि मैं सेट पर हूँ। एक्चुअली मैंने यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, और साथ ही साथ मेरे बर्थडे पे, अभी मेरा बर्थडे आएगा 2 महीने बाद, तो मैं उस पर भी अभी से लिख रहा हूँ कुछ। मैं 20 साल का हो जाऊंगा, मेरी टीनेज खत्म हो जाएगी, तो मैं उस पर कई सारी पंक्तियां लिख रहा हूँ। 2020 पे मैं एक स्पेशल पोएम बनाना चाहता हूँ, तो उस पर भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो सोच रहा हूँ, धीरे धीरे लिख रहा हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट्स और डायलॉग्स में से ही थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, तो मैं कहीं ना कहीं खुद को बिजी करने की कोशिश करता हूँ। तो ऑफ कोर्स चल रही है अभी, कई सारी पंक्तियां लिखी है मैंने लॉकडाउन के दौरान, जो लिखा था वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है। सुशांत सिंह राजपूत, जब उनका केस आया था बाहर, तब मैंने एक पोयम भी उनको डेडिकेट की थी, उनको ट्रिब्यूट दिया था। तो ऑफ कोर्स दिल से जो चीजें निकलती है मैं उन्हें पेपर पे लिखकर, पेन पेपर में लिखकर फिर लोगों तक पहुंचाता हूँ। और मेरा नया टैलेंट मैंने लॉकडाउन में ही सीखा है, तो अभी धीरे धीरे करके देख रहा हूँ कैसे अच्छी अच्छी पोएम्स और लिख सकता हूँ। आई एम एक्सप्लोरिंग इट येट। यस, मैं आपको फॉलो करती रहती हूँ, आपकी सारी चीजें मुझे पता है, आपने कब क्या लिखा कब क्या अपलोड किया। ओके अभी थैंक यू आपने दीदी। सुशांत की बात की देव, ये जो चल जी रहा है पूरा 24/7 हम न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, तो मामला यस मतलब इसे बोलते ना खोदा पहाड़, निकली ड्रग्स, अब ड्रग्स के बाद और क्या क्या होगा, तो परतों पर परत दर परत खुल रही है, तो ये ओवरऑल इस पूरे केस को आप कैसे समझ पा रहे हो, क्योंकि ये हर इंसान हैरान हो रहा है, रोज नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यस पर्सनली जब हम इंडस्ट्री में हैं तो हमें भी शॉकिंग लगता है कि ऐसी चीजें हैं हमारे इंडस्ट्री में जो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। इतनी प्योर इंडस्ट्री है, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जब लोग कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या फिर कहीं भी कुछ भी करते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, कोई नया घर लेते हैं, तो एक्टर्स क्या करते हैं, एक्टर्स कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हमें देखकर वो लोग चूज करते हैं। तो अब यह इसी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बाहर आएगी तो ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन शुक्र है भगवान का, कई सारे अच्छे लोग हैं और हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, तो मैं भी यही चाहता हूँ जस्टिस मिले, सच बाहर आए और जल्द से जल्द बाहर आए, और ऑफ कोर्स सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सब लोग एक जी जैसे नहीं होते, एक खराब इंसान या एक खराब हरकत
सबको सबका एक जिसे बोलते ना कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है इसमें, कहीं ना कहीं निशाने पर अब बॉलीवुड स्टार्स, टीवी स्टार्स, पूरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं, जो कि गलत है। बिकॉज इवन आई नो पर्सनली आपको बहुत, और एक्टर्स को, सब लोग एक जैसे नहीं होते। कितने लोग तो ऐसे हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, जो सिगरेट नहीं पीते, इन सबसे बिल्कुल ऑफ दूर कोर्स, रहते हैं। तो व्यूअर्स से हम यही कहेंगे कि अच्छे लोग भी हैं, किसी एक के चक्कर में आप सबके बारे में ऐसा गलत मत सोचिए। और गलत राइट, इंसान है, गलत इंसान किसी बैंक में भी हो सकता है, किसी स्कूल में भी हो सकता है, किसी किसी भी जगह हो सकता है। तो ऑफ कोर्स, ऑफ एक कोर्स, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को बदनाम करना वो गलत है। जी हाँ। या कई सारे अच्छे लोग हैं मेरे यूनिट, अब हमारे डायरेक्टर सर है बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं जब एक केस बाहर आता है तो सब फिर वो स्टीरियोटाइप बन जाता है हर एक के लिए, लेकिन ये चीज गलत है। और हम जो कई सारे अच्छे एक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री में जो लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचे। और हम जो हमारे कैरेक्टर के द्वारा, जैसे मैं हूँ बालवीर के द्वारा, कई सारे अलग अलग शोज है, सोनी सब के जितने भी शोज है, तेनालीरामा है या फिर तारक मेहता है, तो लोग देखकर खुश होते हैं। अब हमें पता चले कि कहीं ना कहीं वो एक्टर्स गलत कर रहे हैं, तो वो सही बात नहीं है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि लोगों तक, हम जैसे रियल लाइफ में हैं, लोगों तक वही मैसेज पहुंचाए और लोग इस इंडस्ट्री से अच्छी बातें सीखें। करेक्ट करेक्ट। तो देख, चलते चलते आप अपने जो फैंस हैं, आपके शो बालवीर के जो डेडिकेटेड एकदम व्यूअर्स हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उनसे आप स्टाइल में क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगी आप आपके डायलॉग फ्रेम में उनसे कहें, जैसे आप किसी कैरेक्टर से बात कर रहे हो। सो ऑफ कोर्स मैं बालवीर के तौर पे मेरे सारे फैंस से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे एडिट्स बनाते हैं, हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं सोशल मीडिया को हिंदी में क्या बोलते सोशल हैं क्या चलेगा, इसको हिंदी मत ऐसा करना। सोशल मीडिया, ओके ओके सोशल मीडिया पे आपके कई सारे एडिट्स होते हैं, परिचित्र होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। बालवीर रिटर्न्स को आप ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, हम नई नई कहानियां लेकर आ रहे हैं, आगे नई नई स्टोरीज आएगी, ऐसी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, तो बहुत मजा आएगा। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम जो अच्छे से सिखा रहे हैं आज की जनरेशन को वो सीखते रहिए, और उसमें से आप अगर 10% भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ भी बेटर होगी। ओके एक लास्ट क्वेश्चन, चलते चलते हाउ अबाउट योर स्टडीज, क्योंकि मुझे याद है आपका एग्जाम था जब लास्ट टाइम हम मिले थे, तो अब कैसे आप आगे परस्यू कर रहे हो? सो ऑफ कोर्स मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ, पॉलिटिकल साइंस चल रहा है मेरा, और ऑफ कोर्स धीरे धीरे आगे पॉलिटिक्स न्यूज में बहुत देखता हूँ, तो यहाँ से घर पे जाने के बाद मैं सबसे पहले न्यूज चैनल से चालू करता हूँ, डेली न्यूज से अपडेट रहता हूँ, मेरे मोबाइल में भी हेडलाइंस आते रहते हैं, सो आई एम वेरी अपडेटेड विद द टूडेज वर्ल्ड, तो मजा आता है एंड मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, तो देख रहा हूँ धीरे धीरे मेरा ग्रेजुएशन खत्म होगा, फिर देखते हैं कहाँ पे जाना है, कई सारे ऑप्शंस हैं, तो देखते हैं कहाँ पे जाती है मेरी गाड़ी। ओके आपकी गाड़ी जाएगी बहुत तेज रफ्तार से जाएगी, क्योंकि आप में तो उड़ने की वो जो एक स्पेशल पावर है वो हर किसी में नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट डे, बहुत मजा आया आपसे बात करने में। मैं आ रही हूँ जल्दी, डोनट्स बना के खिलाना। ओके ठीक अरे पक्का दीदी, श्योर, एनी टाइम, थैंक यू सो मच, है, ऑल द टेक बेस्ट, केयर, स्टे सेफ, थैंक थैंक यू, थैंक यू दीदी। यू, बाय बाय।